तो हम आए थे कल गंगा स्नान से, तो इसमें से हमारे देखो कितने कपड़े आधे सुखा दिए, तौलिए वोलिए सब चीज। अरे ये दूल्हे है घर में और ये दूल्हे है देखो। आधे कपड़े मशीन में पड़े हुए हैं, देखो सारे में कपड़े ही कपड़े। मम्मी गई है नीचे कुछ सामान देखने के लिए, गैलरी में रस्सी बनवाने गई है, रस्सी बनवाने के लिए गई है। देखो भारी सारे थे बोले हरे भरे। सॉरी फ्रेंड्स मशीन नहीं भरी हुई, मैंने गलत कर दिया, पर मशीन के साइड में जो कुर्सी रखी हुई है वो भरी हुई है। देखिए रेत किस तरह से लगा हुआ है, देखता जमा हुआ है सारे कपड़े सब। चलो तो हम भी नीचे चलते, चप्पल मेरी नहीं है भाई की है। देखनी पड़ेगी किधर है लाइट, मेरी चप्पल है यहाँ पर, मेरी चप्पल नहीं है फ्रेंड्स, पता नहीं कहाँ पे गई। चलो दूसरे आई पहन लेते, मिल गई मिल गई। मिल गए मिल गए ये नहीं पहनती, ये वाली पहन लेती हूँ। चलते हैं, सुबह 7 बज रहे हैं, काफ़ी अंधेरा हो रहा है। देखो मैंने फ़ोन की फ्लैश चलाई हुई है, चलाती हूँ। काम करो सिकर बाप, गंगा जी नहा के जब तक खप्पर भर रखे थे तब रोलों का। हाँ से ले गए यहाँ तक, अब्बा जी की आंट मारेगी, मम्मी पे लगी नहीं है। मम्मी कह रही है मैं सकेत दूँ, पर वो मान नहीं रही है। वो कह रही है कपड़े का भी तो बहुत काम है, तो
मम्मी ने कहा दिया चलो तू धो मत सके ना गैलरी में, इधर मैं ऐसे खेल लूँगी अपने आप। ये हमारे पशु है, हमारा अद्भुत का पेट, कभी हमने इतना सा लिया था छोटा ही इतना सा इतना फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना हुआ फिर इतना हो गया उतना मूड आए हुए हैं, चार आए हुए हैं, दो तो ये रहे तो ये रहे। चलो नीचे से ऊपर चलो बहुत फिकर रहा था जब मुन्नू रोटी का देखे फ्रेंड्स नहान की थकान काम करते करते हर सो गई पीछे को दिया, और गंगा स्नान से हम लाए हैं ये पैरोट और एक लाए हैं ये गमला फूलों का गुलदस्ता। कैसा लग रहा है कमेंट करके ये बताइए। बताओ तुमने पहली बात तो ब्राजील तो सुने तार का तो फ्रेंड्स ये लाई हूँ मैं गुलदस्ता काफी बड़ा और कमेंट करके बताना मुझे। अच्छा चलो और हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल, कैसे हो आप सब, आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो अभी बाल धोए थे क्योंकि सारे सिर में ना रेत भरा हुआ था नहाने का, और आज बुधवार भी था तो सोचे धो लेते हैं, और कल तो बिल्कुल भी वो नहीं हो पाया, कल सारा दिन बस कपड़े कपड़े धुले रहे और उतारने में और डालने में रहे, बारिश पड़ रही थी बार बार। आज सारे कपड़े भी सूख गए हैं क्योंकि अच्छी धूप निकल गई थी, तो सारे कपड़े सूख चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे रख दिया है परेश होगी, और ये तो हमारे यहाँ भी बाहर भी रखे हुए हैं तो सब पे ही परेश होगी, और जब परेश हो जाएगी कुछ जो बिना परेश के हैं ऐसे जो चल सकते हैं एक दो बार वो रख दिया उठा के, नहीं तो बिल्कुल एक ट्रक कपड़े हो रहे थे हमारे नाम के, तो आधे सिंगवाए गए आधे रह रहे हैं, जो नए नए से हम पे परेश करेंगे और जो ज़्यादा ही सलवट आ रही है उन पर परेश करेंगे। और अब बच्चे स्कूल से आए तो फिर से उनकी ड्रेस हो गई, वो तो अब मैं शुक्रवार को ही धुलूंगी, बस कल बृहस्पतिवार हो जाएगा तो अब तो शुक्रवार को ही धुलेंगी। और एक जोड़ी मेरे पड़े हैं जो मैंने नहा के निकाले हैं अभी, तो चलिए बाल बाल बहा लेती हूँ पहले। तो फ्रेंड्स आज ये जा रहे हैं खेत में ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर घोड़े लेने, और ये गोबर उतारने, जब इनको आराम होता है तो काम कर लेते हैं, और जब गलत होता है तो बस उनका उनका ध्यान नहीं रहता तो रहता है। हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी, आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो अभी मैं वीडियो सुबह से शुरू कर रही हूँ, और नहा के पूजा भी कर ली है, अब झाड़ू लगाने के लिए आई थी नीचे, सोचा आप सबसे बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो बस अब अभी फिलहाल मैं झाड़ू लगाते लगाते बात कर रही हूँ आप सबसे, और तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और एक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अभी तो वो टाइम भी पूरा नहीं हो पाया मेरे इस वाले चैनल का आराधा गोलियान का। तो फ्रेंड्स वीडियो लेट हो रही है क्योंकि अब मन नहीं करता, दो तीन दिन तक वीडियो नहीं डाल पाती हूँ, और ये वीडियो मेरी नहान से आने के बाद की है, कपड़ों से ही फुर्सत नहीं मिल रही, इतने कपड़े होते हैं हमारे क्योंकि जॉइंट फैमिली है, और काफ़ी सारे रोज़ धोते धोते भी कपड़े इतने हो जाते हैं, और ये तो फिर भी गंगा स्नान के थे,
2-3 दिनों के तो इनसे तो बिल्कुल ही ऐसे हो रहे थे कि जैसे एक ट्रॉली कपड़े भर लो, इतने कपड़े धुले हैं घर में। और ये साग बनाया था आज, अब बच्चे स्कूल से आए उनके लिए छौंक लगाया इसमें, इनकी बुआ के यहाँ दिया था उबाल करके और पीस के, क्योंकि उनकी मिक्सी ख़राब थी तो उन्होंने यहीं से ही मंगवाया था, उनका दे दिया, ये रह गया था। तो बच्चे कह रहे थे कि अभी छौंक दो, मैं कह रही थी कि शाम को छौंकूंगी, पर बच्चे कहाँ सुनते हैं। मूंगफली गई है, मूंगफली मूंगफली तन अगरबत्ती अब भी कहाँ से लगा रखी है? ओ मुंह फाड़ देगा, नाखून काटती है कैसे? बीबू बीबू देखो नाखून कट रहे, दिखा ये उंगली दिखा, अब भी है इसके नाखून पेन ने मेरा मुंह फाड़ दिया था। बीबू बीबू लड़का गंदा है, बीबू होट अपना नीचे लटका होगा, होट भी नहीं रखा, होट नीचे लटका का तेरा यार, कैसे होट को कट हो जा। तो फ्रेंड्स जब से नान में से आया हमारे एक ट्रक कपड़ा धुल चुके हैं और ऊपर डल लेते मैंने आज बृहस्पतिवार के थे, तो ये अभी मैं उतारने आई हूँ, सोचा थोड़ा सा वीडियो बना लेते हैं। और अब तो धूप धुंधली धुंधली सी निकल ली कई दिनों से, सूरज भी देखी कैसे धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा, दिखाई भी नहीं दिया अभी तो कहाँ है वो रहा, देखिए कैसे धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा, एक बार दिखा था ये रहा देखो, मुझे दिखा है फिर दिखता नहीं। तो अभी मैं कपड़े उतार लूं, सूख तो गए, बच्चे स्कूल से आके थोड़ी देर खेलने जाते हैं, उसके बाद फिर अपना स्कूल का काम करते हैं। और यहाँ पड़ोस में ही शादी भी है तो उनके घर पे सजावट हो रही है। चलिए फ्रेंड्स कपड़े उतार लिए, नीचे चलते हैं, अब नीचे की ही वीडियो शूट करेंगे, कल तो मैं डाल नहीं पाई वीडियो, आज देखते हैं कब तक जा पाएगी। देखिए वहाँ पर है शादी, और काफ़ी दिन हो गए ऊपर से मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं की, कितने दिनों से, पता नहीं कब की होगी छत पे आके वीडियो शूट। तो आज मेरा मन किया, सोचा थोड़ी सी वीडियो छत की शूट कर लेते हैं। और ये देखिए सूर्यदेव कितने धुंधले धुंधले से, बस पूरा दिन ऐसे ही रहते हैं अब। और वैसे भी अब दिसंबर स्टार्ट हो गया तो अब तो ऐसा ही मौसम रहेगा। जगह होने के फायदे ये हैं कि सब्जी भी लगा लो, फुलवारी भी लगा लो, और वहाँ पे इतनी अच्छी फुलवारी होती है, गोभी भी बो रखी है, पालक वालक सब है इनके यहाँ। आते तो